जिले का नंबर एक चैनल खबर 24 न्यूज में देखिए खबरें एक नए वीडियो अनुभव के साथ, जिसे देखना, सुनना और शेयर करना भी आसान। जहां झालावाड़ जिले से लेकर मंदसौर जिले तक की खबरें देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें खबर 24 न्यूज। नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबर विस्तार से। महानगर पालिका क्षेत्र में कार्य करने वाले पथ विक्रेताओं को प्रधानमंत्री स्टेट बैंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत उनके व्यवसाय को पुनः चालू करने हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से अनुदायिक ऋण उपलब्ध करवाने हेतु एक शिविर का आयोजन नगर पालिका कार्यालय भवन में आयोजित किया गया, जिसमें पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, लीड बैंक ऑफिस सर अधिशासी अधिकारी देव मित्र कानून को, स्थानीय बैंकों के प्रतिनिधिगण पार्षद राकेश मकवाना, पार्षद अमजद अली, सीओ राजेंद्र लोधा, गणमान्य जन उपस्थित रहे, जिनके द्वारा स्थिर बैंडर्स को उक्त योजना में अधिक से अधिक आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। भवानीमंडी नगर पालिका मंडल द्वारा वार्ड नंबर 29 गरीब नवाज कॉलोनी में नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा ने सीसी रोड का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उपस्थित नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष विनय आस्तोलिया, पार्षद हरीश राठौर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता चैतराज गहलोत, पार्षद प्रतिनिधि जावेद हुसैन, प्रदेश कांग्रेस सेवादल सचिव अख्तर अली, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जोरावर सिंह चौहान, पार्षद राजीक अंसारी, एसडीपीआई जिला अध्यक्ष गुलाब रब्बानी, महिला नगर कांग्रेस अध्यक्ष नीता खत्री, अजमल खान, फरीउद्दीन, वार्डवासी उपस्थित रहे। पंचायत गुंडीखेड़ा में महंगाई राहत कैंप के साथ साथ प्रशासन गांव के संग अभियान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झालावाड़ नरेंद्र सिंह राजपुरोहित द्वारा पटवार मंडल मांडवी भूमि आवंटन पर आवासीय पट्टा दिया गया। तहसीलदार पटवार सत्यनारायण नरवरिया ने बताया कि ग्राम पंचायत गुंडीखेड़ा में सर्वाधिक 20 किसान परिवार द्वारा अपने अपने खातों का विभाजन कराया, जिसमें ग्राम हथुनिया में लगभग 40 वर्ष पुराने खाते का आपसी विभाजन पटवारी राजेश गुप्ता कानून को ललित शर्मा के प्रयास से हुआ। बंटवारा आदेश के प्रतियां में प्राप्त कर किसान बहुत खुश हुए और किसानों ने बताया कि अब हम तनाव मुक्त होकर कृषि कार्य करेंगे और सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए हमें खातेदारों की सहमति की आवश्यकता भी नहीं होगी। इस दौरान मौके पर बाढ़ में सीमा ज्ञान 30 नामांतरण, 30 रिकॉर्ड शुद्धिकरण, 98 राजस्व रिकॉर्ड की नकल व अन्य राजस्व कार्य किए गए हैं। झालरापाटन नगर के वार्ड नंबर 32 निवासियों ने वार्ड के छात्र रोहित यादव के सीनियर सेकेंडरी कक्षा में अच्छे अंक लाकर परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सोमवार को उसका सम्मान किया गया। वार्ड पार्षद नवीन मेघवाल, वार्ड के समाज सेवी कमलेश चौरसिया, राजकुमार पाटोदिया, दीपक नामदेव, योगेश कसेरा, निखिल सेन, दीपक राठौर, तिशांक राठौर, अजय चौरसिया, अनमोल पाटोदिया ने वार्ड निवासी डॉक्टर राधाकृष्ण स्कूल के सीनियर सेकेंडरी कक्षा के विद्यार्थी रोहित यादव के 91.40% अंक से पास होने पर परिवार, समाज, माता पिता के साथ ही वार्ड का गौरव बढ़ाने पर मुंह मीठा कराकर माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पंचायत समिति झालरापाटन के ग्राम पंचायत खानपुरिया में आयोजित महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया है। दौरान जिला कलेक्टर ने दिव्यांग परिवारी भवन लाल की 5 माह से रुकी पेंशन त्वरित कार्रवाई करते हुए शुरू की। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे के रटलाई रोड पर आज एक अज्ञात वाहन ने 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों मौके पर गंभीर घायल हो गए। प्रत्येक दस्यों से मिली जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार गाड़ी को रोककर पानी पी रहा था, तभी पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। वहीं दोनों मोटरसाइकिल सवार नीचे गिर गए, जिन्हें आसपास उपस्थित लोगों ने उठाया, समीपवर्ती चिकित्सालय में लेकर आए, जहाँ ने उनका प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय झालावाड़ के लिए रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। झालरापाटन बाल कल्याण समिति बाल अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को संकल्प बाल गृह का औचक निरीक्षण किया गया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष शिवराज सिंह चहाड़ा ने बताया कि बाल गृह में बच्चों के लिए प्राचीन भारत के नायकों के जीवन पर आधारित ज्ञानवर्धक किताबें खरीदी जाने की जानकारी दी गई। बाल गृह में आरओ प्लांट लगा होने के बावजूद चल रहे विभाग की ओर से नल का कनेक्शन नहीं किए जाने की जानकारी मिलने पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इस बारे में कार्रवाई करने के लिए कहा। सदस्य गजन सिंह व बबली मीणा ने एकल माता पिता वाले बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, एसडीआई
के हॉस्टल में प्रवेश दिलाकर वात्सल्य गौराज्य योजना से उन्हें जुड़वा कर पुनर्वसित करने की बात कही। अखिल भारतीय लोधा अधिकारी कर्मचारी महासभा मनोह थाना जिला झालावाड़ राजस्थान की बैठक लोधा छात्रावास मनोह थाना में आयोजित की गई। इस बैठक में मनोह थाना विधानसभा क्षेत्र के मनोह थाना आलोक संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में संरक्षक रघुनंदन दशाया, मनोह थाना आलोक संघ अध्यक्ष राधेश्याम प्रधानाचार्य, प्रांतीय उपाध्यक्ष चन्न मोहन लोधा, राष्ट्रीय संगठन सचिव रामकिशन लोधा सहित बैठक में निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में आगामी सत्र में लोधा छात्रावास मनोह थाना में समाज के छात्रों को प्रवेश हेतु उच्च अध्ययन प्रतियोगियों परीक्षाओं की तैयारियों के लिए लाइब्रेरी निर्माण, सेना भर्ती, पुलिस भर्ती सहित अन्य सुरक्षा भर्तियों में तैयारी हेतु डिफेंस एकेडमी का प्रस्ताव चालू करने का सर्वसम्मति से लिया गया। डक पंचायत समिति के सुजानपुर गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेल मैदान को अतिक्रमियों से मुक्त कराने के लिए ग्रामीणों ने एकत्रित होकर डक तहसील मुख्यालय पर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि स्थानीय विद्यालय के करीब 2 बीघा भूमि है, जिस पर भूमि पर स्थानीय ग्राम के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर बाधित कर रखा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विद्यालय की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने की गुहार लगाई, जिस पर नायब तहसीलदार अजय पालीवाल ने उचित कार्रवाई के निर्देश जारी किए। डग में सोमवार को माहेश्वरी समाज द्वारा सोमेश्वर महादेव मंदिर पर समस्त माहेश्वरी समाज द्वारा संगठित होकर समाज का 5156वां उत्पत्ति दिवस सोमेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में मनाया गया। पेंशनियर अध्यापक समाज सेवी कृष्णकांत जाजू ने बताया कि धर्म ग्रंथों के अनुसार माहेश्वरी समाज के पूर्वज क्षत्रिय वंश के थे, जिनका आज उत्पत्ति दिवस मनाया गया। महाश्वेती का अर्थ है महेश यानी शंकर, वारी यानी समुदाय या वंश यानी भगवान महेश का वंश परिवार, जिस पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। इसी प्रकार आज के कार्यक्रम में दैनिक आरती, भगवान शिव महादेव का अभिषेक, दोपहर 2 बजे पुनर्श्रृंगार, सांस्कृतिक खेल, संध्या आरती, रात्रि को भजनों का आनंद लिया जाएगा। उनेल सीमावर्ती ग्राम सालरिया का खेड़ा में सोमवार को हनुमान जी के मंदिर पर नवनिर्मित भगवान शंकर भोलेनाथ की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर कला से स्थापना की गई। इस दौरान कस्बे में पंचकुंडली महायज्ञ का आयोजन भी किया गया, जिसमें आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। कलश स्थापना से पूर्व प्रतिमाओं का कस्बे में भव्य जुलूस शोभा यात्रा निकाली गई, जो गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाली गई, जहां ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। प्राण प्रतिष्ठा पर ग्रामवासियों द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। पिड़ावा क्षेत्र के नोलई ग्राम पंचायत में सोमवार से 2 दिवसीय महंगा रात कैंप की शुरुआत हुई। शिविर में वक्ताओं संबोधित करते हुए अशोक गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभार्थियों को पंजीयन कार्ड सौंपे गए, साथ ही ग्रामीणों को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय सिंह गुर्जर, पूर्व प्रधान रामलाल चौहान, जन अभियोग निराकरण समिति सदस्य राजेश करावन, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुरीलाल डांगी, मंडल अध्यक्ष नेपाल सिंह, पूर्व जनपद रणजीत सिंह, ब्लॉक प्रवक्ता दिनेश राठौर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष फरीद अहमद मंसूरी, सेवादल महासचिव जान मोहम्मद पासर, मुकेश मासूम, आईटी सेल विधानसभा अध्यक्ष कपाल सिंह, शंकर सिंह, भगवान सिंह सरपंच, मान सिंह उपसरपंच, दयाराम गुजर, कालू सिंह ठेकेदार, दशरथ सिंह बुरखेड़ी, राधेश्याम आदि मौजूद रहे। पिड़ाव पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए 244 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजे के साथ एक स्थानीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गश्त के दौरान शहरपुर तिराहे पर पैदल आ रहे युवक मंडी मोहल्ला निवासी अलीम उर्फ कुर्बान पुत्र शरीफ खान को रोककर उसकी तलाशी ली गई, जिसके युवक के कब्जे से 244 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया है। मामले की जाँच सुनेल पुलिस कर रही है। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील अंतर्गत नारायणगढ़ से झारा मार्ग स्थित बंड पिपलिया बालाजी पर सोमवार को दोपहर मोगया आदिवासी समाजजनों के अहम बैठक हुई संपन्न, जिसमें पूर्व जिलाध्यक्ष पर नियुक्त राहुल चौहान राठौर के 1 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 1 वर्ष के लिए पुष्कर पंवार बालागुड़ा को जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त का जिम्मेदारी दी गई और समाज के प्रदेश जिले के पदाधिकारियों समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर नियुक्ति पत्र दिया गया। बैठक के दौरान समाज के वरिष्ठ जनों ने मीडिया के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपील की है कि मोगया आदिवासी समाज आज के समय में मोगया व मोगया बावरी 3 भागों में बटी हुई है, जिसके चलते सभी समाजजनों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की अपील की गई। खबरों में फिलहाल इतने ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधू कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधू के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधू मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधू आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। चक्की चल रही कबीर बैठा रोए, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको। के माता दाऊ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे आ दूर दे चरा है मामला अब गाओ साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे बन जा रहा रे हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जा रहा।